हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ने जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर और ड्रोन सेक्टर के लिए उसकी अप्रूवल दी गई है। अलग अलग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो मेनली यहाँ पे पीएलआई स्कीम एक्चुअली हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है क्या यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर और ड्रोन सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। तो देखिए, फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स के जो पार्ट्स है यहाँ पे, और ड्रोन इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिए है, जहां पे लगभग 26,000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स को यहाँ पे डेवलप की जाएगी, अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो सेकेंडरी सेक्टर है वहां पे बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में एक्चुअली 2021-22 इस साल का जो जनरल बजट है वहां पे मेंशन किया गया था, तो कि 13 सेक्टर में यहाँ पे 1.97 लाख करोड़ जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी। मेनली ये जो है एक जो फ्लैगशिप स्कीम जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ताकि यहाँ पे ऑटो सेक्टर और जो ड्रोन सेक्टर है यहाँ पे जो उसको इम्प्रूव किया जाए और इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जा सके। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं, तो इसको पहली बार अनाउंस किया गया था 2020 के मार्च के महीने में। तो उस टाइम में देखिए कि यहाँ पे कंपनीज को इंसेंटिव या फिर इंक्रीमेंटल सेल्स दी गई थी, ताकि डोमेस्टिक यूनिट यानी कि भारत के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पे, अलग अलग यहाँ पे जो है सेक्टर को मेंशन कर दिया गया था, तो यहाँ पे इंसेंटिव्स दी जाएंगी, ताकि अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो लोकल स्टार्टअप्स है, लोकल कंपनीज है, यहाँ पे आगे बढ़ के आए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे आगे बढ़ के आए, और उन लोगों को गवर्नमेंट मदद करेगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बूस्ट मिल सके। तो काफी सारे सेक्टर्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। मेनली देखिए, पहली बात तो ऑटोमोबाइल्स हो गई यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, आईटी हार्डवेयर हो गए यहाँ पे, मोबाइल फोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, व्हाइट गुड्स हो गए यहाँ पे, केमिकल सेल्स के ऊपर काफी ज्यादा बात की जा रही है यहाँ पे, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल सेक्टर, काफी जगहों पे यहाँ पे जो इस स्कीम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है। तो थोड़ा सा इन्हें नटशेल अगर हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर पे लगभग 26,000 करोड़ नेक्स्ट 5 सालों में इन्वेस्ट की जाएगी। तो यहाँ पे एक और प्लानिंग है कि लगभग 42,500 करोड़ की जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी यहाँ पे। टोटल जो प्लानिंग है एक इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन लगभग 2.3 लाख करोड़ की यहाँ पे जो प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लगभग 7.6 लाख करोड़ की जॉब जो है क्रिएशन हो सकती है यहाँ पे, और इसके जरिए स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी या फिर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज को बूस्ट मिलेगा यहाँ पे, ऑटोमेटिव कंपनीज या फिर नए इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे अट्रैक्ट होंगी। ड्रोन्स को यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग 120 करोड़ नेक्स्ट 3 सालों में इन्वेस्ट की जाएगी, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगभग 5,000 करोड़ की होगी इस बार, और लगभग जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जो होगी ये 15,000 करोड़ तक की ड्रोन सेक्टर में उसकी प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले, कि यहाँ पे मेनली एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी या फिर ऑटो कंपोनेंट्स पे ही इन्वेस्टमेंट की जाएगी, मेनली ऐसे कंपनीज जिसके देखे कि यहाँ पे जो सप्लाई चेन है काफी उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम देखने को मिलता है या फिर एग्जिस्ट नहीं करते, तो उन लोगों को यहाँ पे बूस्ट देने का प्लानिंग है, ताकि नई टेक्नोलॉजी या फिर क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिलेटेड टेक्नोलॉजी इसमें बढ़ोतरी मिल सके। तो एक चीज देखिए कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसका दो कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट यहाँ पे बोला जा रहा है चैंपियन ओईएम स्कीम, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो मेनली यहाँ पे ये जो है एक लिंक प्लान है, यानी कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक है या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स उसमें काम करने की बात हो रही है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे,
अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे बूस्ट करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो भी सोर्सेस से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जाएगा, अगर ये सोर्स ही इस तरीके से सेटअप किया जाएगा कि इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है यहाँ पे थर्मल एनर्जी से आ रहा है, यानी कि कोल को जला के आ रहा है, तो ये कुछ भी फायदा नहीं देगा यहाँ पे। तो ये देखिए कि ऐसे सोर्सेस से होना पड़ेगा जो रिन्यूएबल तरीके से काम करे, और उसी से सोर्स लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर चार्ज हो सके तभी इसका फायदा हो सकता है यहाँ पे। सेकेंड बात की जा रही है यहाँ पे चैंपियन इंसेंटिव स्कीम्स। तो काफी सारे यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम्स दी जाएंगी, चाहे वो एडवांस टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट्स हो, कंप्लीट या फिर सेमी नॉकडाउन किट्स हो, यहाँ पे व्हीकल जो एग्रीगेट्स है, दो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, या फिर पैसेंजर व्हीकल्स हो, कॉमर्शियल व्हीकल्स हो, या फिर ट्रैक्टर तक की यहाँ पे जो है ऑटोमोबाइल्स को इंक्लूड करने की बात हो रही है। सिग्निफिकेंस अगर देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले में हम लोगों ने ही डिस्कस किया था यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, मेनली केमिस्ट्री सेल, यानी कि जो सेल्स के ऊपर बात हो रही है कि जो भी सोर्सेस यूज की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या फिर जो पावर जनरेशन के लिए, उसको रिन्यूएबल तरीके से ताकि यूज किया जा सके। जो फेम यानी कि जो फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें भी देखिए यहाँ पे पीएलआई स्कीम से यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसके ऊपर बात हो चुकी है। तो मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट की प्लान है कि 2030 तक जितना ज्यादा हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में मौजूद होना चाहिए। जो कन्वेंशनल जो व्हीकल्स है जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन एमिट करती है, या फिर उसके वजह से जो ऑयल इंपोर्ट करती है, वो ताकि कम हो सके। क्योंकि एक तो देखिए कि इसके वजह से एनवायरमेंटल डैमेजेस बहुत होती है, और दूसरी इंडिया की जो इकोनॉमी बाहर चली जाते हैं, काफी इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है फ्यूल जो है, इससे इकोनॉमी पे भी बहुत गहरा दबाव पड़ता है। दूसरी क्या है कि ऑटो कंपोनेंट्स के जितने भी पार्ट्स है, क्योंकि एक गाड़ी अगर आप कोई जो कंपनी अगर इसको कंपाइल कर रही है, हजारों पार्ट्स होते हैं वहां पे, तो उनके पार्ट्स को भी क्या होता है कि इंडिया को पहले दूसरी जगह से मंगवाना पड़ता था, अभी ये सब जो है इंडिया खुद से बनाने की कोशिश की है। तो मेनली यहाँ पे देखिए जो लोकलाइजेशन, लोकल कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और उसके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में हो सके, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे, इंडिया में सोशल सेक्टर में देखिए यहाँ पे जॉब्स जब मिलेगी वो डेवलप होगी, इंडिया की इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट करेंगे, और उन लोग अपने भी फायदे देखेंगे, तो इंडिया के लिए ये प्रॉफिट ही है। अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पे क्रिएट करने की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जॉब निकलेगी। एक यहाँ पे बात की जा रही है कि लगभग 7.5 लाख जो है जॉब्स जेनरेट होने की संभावना है। ड्रोन सेक्टर पे अगर देखेंगे कि इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 करोड़ तक की जाएगी, और एक प्लानिंग की जा रही है कि एक्चुअली यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जो है 15,000 करोड़ होनी चाहिए, यहाँ पे 15,000 करोड़ तक की हो सकती है, और 10,000 जॉब्स जो क्रिएट हो सकती है। तो ड्रोन्स अगर देखेंगे अभी के हिसाब से ड्रोन्स की कितनी ज़्यादा यूटिलिटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो, हेल्थ केयर सेक्टर में हो, यहाँ पे सर्विलियंस सेक्टर में हो, हर जगह पे ड्रोन्स की यहाँ पे यूज देखने को मिल सकता है। तो मेनली ड्रोन्स के भी यहाँ पे ड्रोन्स को बढ़ाने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए, उसके जो कंपोनेंट चाहिए, जो सॉफ्टवेयर पार्ट होनी चाहिए, इसको भी एंकरेज की जाएगी, ताकि इंडिया खुद से प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ड्रोन्स इंडिया बनाती है या फिर कंपाइल करती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंडिया को भुगतना पड़ता है कि ये सब इंपोर्टेड होते हैं। लगभग 90% ऑफ द ड्रोन्स इंडिया इंपोर्ट करती है। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए, इस स्कीम के जरिए इंडिया जो है खुद से ही ड्रोन्स और उसके सारे कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करेंगी। ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट्स बाहर से ला रहे हैं, इंडिया सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं, ये कंपोनेंट्स को भी इंडिया को प्रोड्यूस करना हो, तभी जाके उसका एक्चुअल जो लाभ इंडिया को मिल सकता है। तो मेनली इंडिया को ड्रोन से रिलेटेड एक हब बनाने की प्लानिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2030 तक। तो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ताकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ये आगे बढ़ सके, उसके जो प्रोडक्ट्स जो है, कंपोनेंट्स जो है, उसको भी तैयार किया जा सके, ताकि देश जो है एक टाइम के बाद खुद से आत्मनिर्भर बन सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको ड्रोन और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अभी इन्वेस्टमेंट
के रूप में देखा जा सकता है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।